स्वागत है आप सबका तीसरे T20I मैच के अंदर। मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। पहला T20 यहाँ पे इंग्लैंड ने जीता था, ल्यूक वुड प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। दूसरे T20 के अंदर पाकिस्तान आती है, क्या वापसी करती है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 200 रन की साझेदारी बनाई, तूफानी पारी खेली थी। बाबर आजम ने शतक जड़ा था, कमबैक करा। एशिया कप के बाद सब पूछ रहे थे भाई बाबर आजम रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, भाई ने जवाब दिया रन बना के। तो बहुत ही हाईली थ्रिलिंग मैच होगा तीसरा T20 मैच। जो भी टीम जीतती है वो सीरीज के अंदर 2-1 से बढ़त बना लेगी, जो टीम हारती है उसको फिर से दोस्तों पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैच टक्कर का रहेगा, शानदार मैच रहने वाला है। स्वागत है आप सबका किसके अंदर? इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो वही कहूँगा आपको, सबसे पहले वेन्यू है नेशनल स्टेडियम कराची। मैच टाइमिंग रहेगी रात के 8 बजे। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, इसका फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। लिंक कहाँ मिलेगा आपको टेलीग्राम का? डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पर। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट T20 मैच कल के दिन ही खेला गया था, तारीख थी 22 सितंबर। मैच था पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के बीच में दूसरा T20 मैच। आपको पता ही होगा पहला T20 यहीं पे खेला गया था कराची के ऊपर, दूसरा T20 भी यहीं पे खेला गया है और तीसरा भी यहीं पे खेला जाना है, चौथा भी यहीं पे खेला जाना है। फिर यहाँ पर जो पांचवा, छठवा और सातवां T20 होगा, ये भाई साहब खेला जाएगा कहाँ पे? लाहौर के अंदर। और यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब लाहौर के अंदर मैचेस होंगे ना, तो शादाब खान भी वापसी करेंगे, जॉस बटलर भी वापसी करेंगे, मार्क वुड भी और क्रिस वोक्स भी। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, शानदार ये सीरीज रहेगी। अब इस वेन्यू के ऊपर आप देखो PSL 2022 के अंदर किस तरह से रन बनाए। रन पर ओवर 9 रन प्रति ओवर यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट कुछ T20 के मैचेस हुए उसके अंदर पहली पारी के अंदर किस तरह से स्कोर्स बनाए, तो देखो लेटेस्ट बना था 199 इंग्लैंड ने कल के दिन बनाया था 5 विकेट गवा के। उससे पहले 158 बना था 7 विकेट गवा के, जो आपको बताइए होगा पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में बनाया था, इनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। फिर 173 बना था 4 विकेट गवा के, 174 बना, 222 बना, 177 बना, 204 बना। तो यहाँ पे बस एक ही मैच ऐसा है जिसके अंदर 160 के नीचे स्कोर बना, वरना हर बार 170 के ऊपर स्कोर बनता है यहाँ पे। तो ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, रन्स बनते हैं यहाँ पर। मेरे पास कुछ फोटोज ऑफ पिच वगैरह आपको दिखाना चाहूँगा मैं, तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, ऐसी यहाँ की पिच दिखती है। और जो लास्ट मैच हुआ था ना वो यूज्ड पिच के ऊपर मैच हुआ था, इस मैच के अंदर फ्रेश पिच का इस्तेमाल करा जाना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, ऐसी पिच दिखती है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर वही बात है कि स्पिनर्स को टर्न भी देखने को मिली थी और पिच थोड़ी सी ड्राई भी थी। और यहाँ पे अच्छी बात बताऊँ क्या थी, प्लेयर्स ने देखा होगा आपने कि कंडीशंस को एसेस कर लिया था, फिर बाद में लोग बॉल को वेट करके खेल रहे थे, तो एक अच्छी चीज़ थी। बाबर आजम आपने देखा होगा, मोहम्मद रिजवान को, दोनों किस तरह से बॉल को टाइम कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेस करो कंडीशंस को, फिर आप खेलो शॉट्स। यहाँ पे बैन डकेटन भी देखो कितने अच्छे शॉट्स खेले थे, रैम शॉट खेला था, फिर रिवर्स मार रहे थे, कभी स्कूप मार रहे थे, कभी स्वीप मार रहे थे, उनके पास इतने शॉट्स थे तो यहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए थे। 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे यहाँ पे वो। ऐसी पिच दिखती है, क्रैक्स इस पिच के ऊपर क्लियरली आप देख सकते हो, स्विंग ज़्यादा मिलती नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे कराची के अंदर और ओवल, दो वेन्यूज को लोगों ने बताया था पिछले मैच के अंदर, तो मैंने सुना भी था उनकी बात। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर कराची के ऊपर बॉल हाथ से रिलीज होती है समझो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओवल पे भी इतनी स्पीड से बॉल रिलीज होती है हाथ से, ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बॉल हाथ से 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिलीज होती है और पिच में गिरने के बाद कितनी स्पीड हो जाती है, कराची के ऊपर 128 हो जाती है, ओवल के ऊपर 135 रहती है इंग्लैंड के अंदर, तो आप समझ सकते हो पिच थोड़ी सी धीमी है। और बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री 77 मीटर से, यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री 70 और 71 मीटर की है, तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे बाउंड्री डायमेंशंस है। स्टेडियम का व्यू का ऐसा दिखता है, गजब ये स्टेडियम है। चलते हैं फिर से स्टार्ट्स की तरफ। पाकिस्तान का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है स्वैनी के ऊपर, 9 मैच खेला है, 8 मैच जीता, 1 मैच हारा है। इंग्लैंड यहाँ पे 2 मैच खेली, 1 मैच जीती, 1 मैच हारी है। ये चेसिंग फ्रेंडली वेन्यू, अपन ने बात भी करी थी पहले T20 से कि ये वेन्यू पर ज़्यादातर टीम्स चेस करना पसंद करती है। PSL में तो एक माहौल बन गया था, जब यहाँ पे PSL में मैचेस हुए तो माहौल ये बना था कि जो भी टीम टॉस जीती थी वो गेंदबाजी करती थी, उसी टाइम सब बोलते थे ये टीम जीत गई जो टीम पहले गेंदबाजी कर रही है सीधा ही, ठीक है। तो देखो स्वैनी के ऊपर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 10 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है यहाँ पर 23 मैचेस जीती है। चेसिंग फ्रेंडली वेन्यू, सीधा सीधा आप समझ सकते हो लास्ट 25 मैचों में क्या हुआ, पेसर्स ने 180 विकेट निकाला है, पहली पारी में 101 है, दूसरी पारी के अंदर 79 है, तो पहली पारी के अंदर पेसर्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। राइट आर्म पेसर 127, लेफ्ट आर्म पेसर 53 विकेट है। स्पिनर की बात करते हैं, 25 मैच के अंदर 83 विकेट्स हैं, पहली पारी में 37 और दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 46 विकेट्स हैं। ऑफ स्पिनर्स का 10, लेग स्पिनर्स का 45, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 28 विकेट है। जो लास्ट मैच हुआ था 22 सितंबर को कल ही हुआ था,
उस मैच के अंदर 5 विकेट था पेसर्स का, सारे के सारे विकेट पहली पारी में ही गिरे थे, एक विकेट वहाँ पे स्पिनर ने निकाला था मोहम्मद नवाज़ ने। वैसे फुकास बढ़िया, कोई चिंता की बात नहीं है और यहाँ से कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है। दोनों टीम्स ने आपस में 24 मैच खेला, इंग्लैंड 10 जीती है, पाकिस्तान 14 जीती है, टक्कर का मैच है। चलते हैं लाइनअप्स की तरफ। बाबर आजम यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं, कप्तान साहब सीना तान के चलते हैं तो भाई टीम भी लीड करती है आगे से। मोहम्मद रिजवान हैदर अली, शान मसूद, इफ्तिकार अहमद, कुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, नशीम शाह, हैरी श्रॉफ, उस्मान कादिर, शनवाज धानी आपको खेलते हुए दिखेंगे। इंग्लैंड की बात करते हैं, एलेक्स हिल्स ओपनिंग करेंगे यहाँ पे फिलिप शॉट के साथ, डेविड मलान, बेन डकेट, हैरी ब्रुक, मोइन अली, सैम गरन, लियम डॉसन, डेविड विली, आदल राशिद, लिक्विड आपको खेलते हुए दिखेंगे। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, जब इस मैदान पे मैच हुआ तो किसने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया। बाबर आजम ने यहाँ पे 36 मैच खेला है, ये भाई कराची का बनता है, ये कराची किंग्स के लिए खेलता है, ये इसी वेन्यू के ऊपर उन्होंने कितने रन बनाए पीएसएल में। दो प्लेयर्स यहाँ पे आप खुद देखो, स्टैट्स हमेशा आपके सामने रहते हैं। बाबर आजम की 65 की औसत है, 36 मैचों में 1600 रन है। रिजवान का 24 मैच में 1000 रन है, 64 की औसत है। भाई 60 के ऊपर औसत है दोनों प्लेयर्स की, इस वेन्यू पर इतनी औसत किसी की है ही नहीं। दोनों भाई यहाँ पे सीना तान के चलते हैं और 23 दफ़ा यहाँ पे बाबर आजम ने 30 का आंकड़ा पार किया है और 13 बार चेस करते हुए करा है। मोहम्मद रिजवान 24 मैच में 1000 के आसपास रन्स है, 64 की औसत है। बैट फर्स्ट 82, 78, 71, 43, 41, 38, यहाँ से लो स्कोर चालू जाते हैं, 37, 12, 4, 0, 0, फिर 68 है। पर चेस पे आप देखो, ये चेस पे आज तक यहाँ पे 40 के नीचे स्कोर करा ही नहीं है भाई। ये देखो 87 है, 76 है, 69 है, 67 है, 52 नॉट आउट, 44, ये 8 नाबाद रहे थे, आउट नहीं हुए थे, ये नाबाद हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा 44 के नीचे नहीं है वो, ठीक है, नाबाद थे। अगर उनको और बॉल मिलती तो और लंबी पारी खेलते, फिर 88 नॉट आउट लास्ट मैच में किया था भाई। इनको पसंद है बाबर रिजवान की जोड़ी। हैदर अली कराची को, हैदर अली 19 मैच के अंदर 382 रन, 24 के औसत है। बैट फर्स्ट में 8 मैच में 150 रन है, चेस के ऊपर 9 मैच में 232 रन है। शान मसूद का आप देख सकते हो 18 मैच के अंदर 433 रन है, 26 के औसत है इस मैदान के ऊपर। और बैट फर्स्ट भी देखो आप, बैट सेकंड भी आप पढ़ सकते हो क्लियरली, मैं बोलूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाता है। इफ्तिकार अहमद 32 मैच के अंदर 453 रन है, 5 विकेट है, और ये बढ़िया प्लेयर इफ्तिकार अहमद। बस बात वही है कि नीचे खेलते हैं और मेरे हिसाब से शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। कुशदिल शाह 18 मैच में 251 रन है, ये भी मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं, औपचारिकता पूरी करने आते हैं तो ऐसा लगता है मेरे को इसको टीम में जगह भाई किस बेसिस पे मिली है समझ के बाहर है। पीएसएल में अच्छा किया था मैं मानता हूँ, पर विद द बॉल अच्छा किया था ना कि विद द बैट इतना। मोहम्मद नवाज 26 मैच में 20 विकेट है, बॉल फर्स्ट 12 मैच में 9, बॉल सेकंड यहाँ पे 12 मैच में 11 विकेट्स है, 10 बार विकेट लेस गए, अच्छा करते हैं यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर। पर इनका आप स्टैट्स देखो, 26 मैच में मात्र 20 विकेट है, तो इस वेन्यू के ऊपर मैंने पहले T20 में भी आपसे यही कहा था कि इनका इस सीरीज़ के अंदर थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस हो सकता है, स्पेशली कराची वाले फेस के अंदर। नशीम शाह 10 मैच में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 7, बॉल सेकंड 4 मैच में 1 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेट लेस गए। लास्ट मैच में इनको निगल था इसलिए नहीं खेले थे, इनको ड्रॉप नहीं किया गया था, मैंने सुना था वहाँ पे। हैरी श्रॉफ का 17 मैच में 23 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 11, बॉल सेकंड 11 मैच में 12 विकेट है, 5 बार विकेट लेस गए। इंपॉर्टेंट प्लेयर है हैरी श्रॉफ, बॉल फर्स्ट में बॉल सेकंड में भी। दानी का 11 मैच में 18 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 7 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैच में 11 विकेट है, दोनों पारी में अच्छे फिगर्स हैं। उस्मान कादिर यहाँ पे 18 मैच खेले हैं, 7 बार विकेट लेस गए, 14 विकेट्स हैं। मोहम्मद हुसैन जूनियर खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ग्रैंड लीग्स के अंदर चाहे स्मॉल लीग में भी। 12 मैच में 17 विकेट है, बॉल फर्स्ट 7 में 7, बॉल सेकंड 5 मैच में 10 विकेट है। इसके पास विकेट्स निकालने की कला है, शादाब खान खेलते हैं तो भाई आग बन करके पिक करना, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो आप। इस वेन्यू के ऊपर शादाब खान का 21 मैच में 32 विकेट है। इंग्लैंड की बात करते हैं, एलेक्स हिल्स ने अपने 17 मैच खेले हैं, 490 रन, 32 की औसत है। बैट फर्स्ट 41, 30, 29, 22, 26, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो। फिलिप शॉट की बात करते हैं, 9 मैच में आप 107 रन है, आज तक इस वेन्यू के ऊपर 9 मैच खेल के एक भी बार 30 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया। लास्ट मैच में भी 30 पे आउट हो गए थे, स्लगिश पारी थी, शॉट्स खेल नहीं पा रहे थे और बॉल नीचे रह रही थी कई बार, और कई बार बॉल एक्स्ट्रा बाउंस ले जा रही थी। याद करो आप, वहाँ पे एक बॉल डाली थी वहाँ पे लिक्विड ने, बाबर आजम के यहाँ से निकली थी चेस्ट के हाइट से, बॉल बाउंस हुई थी गुड लेंथ पे, वहीं पे दानी ने और हैरी श्रॉफ ने एक बॉल डाली थी, बस उस पर हल्की सी उंगली फेरी थी और बॉल स्टंप के बीच में जाके लगी थी एकदम मिडल स्टंप पे, और नीचे लगी जो स्टंप की हाइट थी ना उसके एकदम बीच में जाके लग रही थी गेंद। तो दिखाता है विकेट थोड़ा सा टू पेस्ट भी है और टू स्लो भी विकेट है कई कई एरिया से देखा जाए तो। डेविड मलान 64 बैट फर्स्ट है, 20 टेस्ट के ऊपर 0 बैट फर्स्ट है। बेन डकेट का 6 मैच में 124 रन है, बैट फर्स्ट 0-43, बहुत अच्छी पारी थी, चेस के ऊपर 47, 11, 2, 21 है। हैरी ब्रुक का 4 मैच के अंदर यहाँ पे अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है, 41 नॉट आउट, बैट फर्स्ट 37 बैट फर्स्ट है, 31 बैट फर्स्ट है, 42 नॉट आउट चेस के ऊपर है, तो 4 बार खेला है, 4 बार 30 का आंकड़ा पार किया है। मोइन अली
लास्ट मैच में 55 नाबाद बनाया था, एक ओवर के अंदर कुछ 20 रन दे दिया था भाई ने। एक विकेट है बॉल फर्स्ट, एक विकेट बॉल सेकंड। सैम करन एक विकेट बॉल फर्स्ट, 0 विकेट बॉल सेकंड है। लियोम डॉसन 6 मैच खेलने आज तक विकेटलेस गए। लास्ट मैच में इनको विकेट मिलना चाहिए था मोहम्मद रिजवान का, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया था। डेविड विली का 5 मैचों में यहाँ पे 7 विकेट है, इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। 5 नहीं हुआ है ये, आप 6 मैच कर लो, एंड आई थिंक लास्ट मैच का इनका लिखा नहीं था। तो 6 मैचेस के अंदर डेविड विली का यहाँ पे 7 विकेट है, आदिल रशीद का यहाँ पे 2 मैच में 2 विकेट है, लुक वुड का यहाँ पे 3 मैचेस में 4 विकेट है। चलते हैं हेडवर्ड स्टैट्स की तरफ, मैं आपको ओरली बता देता हूँ हेडवर्ड आपको कैसे समझना है। बाबर आजम ने अगेंस्ट इंग्लैंड T20I के अंदर 10 मैच खेला, 416 रन उनके खिलाफ 60 की औसत है। बैट फर्स्ट 85, 65, 56, 21, 11, 31, इसके ऊपर 22, 15 नाबाद, 110 नाबाद है। रिजवान 10 मैच में 362 रन, 72 की औसत है। हैदर अली का 5 मैचेस के अंदर 2 ही बार बैट करा है, 54 बैट फर्स्ट 11 बैट फर्स्ट है। शान मसूद ने 2 मैच खेला है और बैट 1 बार करा है, 7 रन करा था बैट फर्स्ट करते हुए। इफ्तिकार अहमद का हेड टू हेड के अंदर 4 मैच के अंदर 36 रन है। कुजिल शाह का 2 मैच में 5 रन है। मोहम्मद नवाज का 2 मैच में 4 रन 1 विकेट है। हैरी श्रॉफ का 7 में 8 विकेट है। नशीम शाह का 0 विकेट है बॉल सेकंड। शहनवाज दानी का 1 विकेट बॉल सेकंड। और लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 2 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए निकाला था, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, फिर आप खोइए आपने लिखा नहीं। उस्मान कादरी का हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट है। चलते हैं किसकी तरफ, जो अपनी टीम है पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड। यहाँ पे एलेक्स हिल्स ने अगेंस्ट जो टीम है पाकिस्तान के खिलाफ, एलेक्स हिल्स ने 5 मैच के अंदर 135 रन करा है। बैट फर्स्ट 37, 11, 8, 26, इसके ऊपर 53 है। सॉल्ट का 2 मैच में 40 रन है। मलान का 8 मैच में 137 रन है। बेन डकेट के यहाँ पे 2 मैच के अंदर 64 रन है। हैरी ब्रुक का 2 मैचेस के अंदर यहाँ पे 73 रन है। मोइन अली का 11 मैच में 183 रन, 7 विकेट है। गेंदबाजी से बॉल फर्स्ट 4 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड 5 मैचों में 4 विकेट है, 3 बार विकेट लस गए। सैम करन का हेड टू हेड के अंदर 2 मैचों में 1 विकेट है और कुल मिला के 7 रन है यहाँ पे, ठीक है। लियाम डॉसन का 0 विकेट बॉल सेकंड है। विल्ली का यहाँ पे अगेंस्ट पाकिस्तान 7 मैच में 4 विकेट है। आदिल राशिद का 13 में 14 विकेट है। ल्यूक वुड का 2 मैच में 3 विकेट है। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ स्टार्टिंग में डालेंगे, सैम करन, ल्यूक वुड, डेविड विल्ली, लियाम डॉसन। डेथ के अंदर सैम करन, ल्यूक वुड, डेविड विल्ली। बात करते हैं मैचअप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन किसके सामने कितना स्ट्रगल करता है। तो बाबर आजम वर्सेस क्रिस वोक्स आपको देखने को मिलेगा। 82 बॉल 81 रन, 2 बार आउट किया, दोनों बार पहली पारी में। आदिल राशिद ने 171 गेंद में 191 रन देकर 6 बार आउट करा, 4 बार पहली पारी में। रिजवान वर्सेज आदिल राशिद, लास्ट मैच में धुलाई कर दी थी, पर आप याद करो आदिल राशिद ने जो अपने स्पेल का पहला ओवर डाला था ना, उसके अंदर 4 बॉल डाली थी पहली, उसके अंदर आदिल राशिद ने यहाँ पे मोहम्मद रिजवान को बीट किया था। स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने समझा कि मैं इन पे अटैक करने देखूंगा, एकदम जोर से बल्ला घुमाऊंगा तो मैं आउट होऊंगा, ये गलत शॉट खेल जाऊंगा। फिर उन्होंने क्या करा, बैटक शॉट मारा। बैटक शॉट क्या होता है, स्वीप शॉट मारा। फिर उन्होंने उनका गो टू शॉट है वो, 5 बार आउट किया है, 52 बॉल में 43 रन देखे मोहम्मद रिजवान आदिल राशिद के सामने। शान मसूद वर्सेज आदिल राशिद, 4 गेंद 7 रन है। इफ्तिकार चाचा बोलते हैं सभी इसको, इफ्तिकार चाचा। डेविड विली और लिक्विड के सामने स्ट्रगल है। शदाब खान का स्ट्रगल आदिल राशिद के सामने, 7 गेंद 10 रन, 1 बार आउट किया है। आसिफ अली वर्सेज डेविड विली, 24 गेंद 21 रन, 2 बार आउट किया हुआ है। हैदर अली वर्सेस सैम करन है। एलेक्स हिल्स की बात करते हैं, स्ट्रगल इनका हैरी श्रॉफ के सामने, 20 गेंद 19 रन, 2 बार आउट किया, दोनों बार दूसरी पारी में। लास्ट मैच में शहनवाज दानी ने बोल्ड किया था, 9 गेंद में 16 रन देखे। जॉस बटलर वर्सेस शदाब खान आपको देखने को मिलेगा अगर वापसी करते हैं तो। डेविड मलान वर्सेज सबके सामने 1 बार आउट में, किसी के सामने स्पेशल मैचअप नहीं है। सेम फॉर हैरी ब्रुक, मोइन अली का शदाब खान के सामने मैचअप है, 36 गेंद 64 रन, 2 बार आउट में। फिलिप सॉल्ट वर्सेज हैरी श्रॉफ, 20 गेंद 25 रन, 2 बार आउट किया। दानी ने इनको 2 बार आउट किया, 7 गेंद में 7 रन देखे, दोनों बार दूसरी पारी में आउट किया इनको। बैन टैकेट वर्सेज उस्मान कादिर, 13 गेंद 15 रन, 2 बार आउट किया। नवाज ने 9 गेंद में 22 रन देखे, 1 बार आउट किया। कॉमन कैप्टन रिजवान बाबर दिखेंगे आपको हर जगह, बड़ी लीग में बनाओ रिजवान, एलेक्स हिल्स, बाबर, मोइन अली अलग जाना है, बैन टैकेट शदाब खान खेलते हैं तो वरना डेविड मलान। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, तो कैप्टन यहाँ पे कौन है, रिजवान है। उपकप्तान यहाँ पे बाबर आजम है, चाहे तो आप अल्टी पल्टी भी कर सकते हो, कई लोग बाबर आजम को भी कैप्टन बनाते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एलेक्स हिल्स है, बैन डेकेट है, डेविड मलान है, नवाज, सैम करन, मोइन अली। आप ल्यूक वुड के बल्ले आप यहाँ पे ले सकते हो अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करती है। मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते आप इनको पिक कर लेना, वरना फिर वहाँ पर आपके पास ऑप्शन बचेगा शहनवाज थानी का, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह सिचुएशन चलती है। रिजवान ग्रैंड लीग में देखो क्या करना, आप उस पर फोकस करते हैं। रिजवान टॉप मोस्ट पिक है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, हमेशा रन्स बनाते हैं इस ट्वेंटी पे, तो चेस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैट फर्स्ट में भी अच्छा करते हैं। सॉल्ट
अभी तक इस वेन्यू पे अच्छे नहीं दिखे ना इस टूर में अभी तक इतने अच्छे दिखे हैं प्लेयर, लेकिन टैलेंटेड है फॉर्म इसके साथ है थोड़ा सा। चलते हैं यहाँ पे, बबर इजम इंपॉर्टेंट है, एलेक्स हिल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, पर एक फैक्ट जो आपको कहना चाहता हूँ, मैंने सोच के रखा था आपसे ये वर्ड यूज़ करूँगा मैं, एलेक्स हिल्स पिछले मैच के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, क्यों? स्लो पिच थी, अगर फिर से ऐसी टाइप की पिच होती है तो स्ट्रगल कर सकते हैं एलेक्स हिल्स। इनका हमेशा रहा है स्लो पिचेस के ऊपर, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अटैक करते हैं पावर प्ले तक, उसके बाद फिर अपना विकेट थ्रो कर जाते हैं। प्लेयर अच्छा है, बस थोड़ा स्लो पिच पे अटक जाता है कभी कभी, बैन डेकेट ऐसे पिच पे छाते हैं, हैरी ब्रुक किसी भी पिच पे खिला लो, ये इंग्लैंड का फ्यूचर है। ये मलान लास्ट मैच में अनलक्की थे, उससे पिछले मैच के अंदर अच्छे खेल रहे थे, प्लेयर अच्छा है मलान, टैलेंटेड बंदा, बहुत T20I नंबर 5 बैटर है। मोइन अली इंपॉर्टेंट है, नवाज इंपॉर्टेंट, शायद आप रहे ना रहे मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में से आपसे चर्चा करी थी नवाज़ के बारे में कि सीरीज़ के अंदर स्पेशली जो कराची का लेग है उसमें थोड़े से इन पे दिक्कत आ सकती है, वैसा ही हुआ अभी तक। प्लेयर वैसे तो ठीक है, इनका विद द बैट भी रोल आ जाता है कभी कभी, अगर बाबर रिजवान नहीं चले तो ये बैट से 20-30 रन करके जा सकते हैं। सैम करन बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेंगे, चार ओवर डाल रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। लियम डॉसन लास्ट मैच में मैंने पिक किया था, अच्छा गेंदबाज है, स्किल से विकेट निकालने का, बॉल को हवा देता है, और इसका स्पेल था 0 विकेट फॉर 26 रन, सबसे बेहतर स्पेल इसी ने डाला था पूरे मैच के अंदर। हैरिस रॉफ यहाँ पे एक अच्छे गेंदबाज है, दोनों पारियों में दानी बॉल फर्स्ट में रोटेट कर सकते हो, लिक्विड बॉल फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों पारी में आप ट्राई कर सकते हो। आदिल राशिद के पास स्किल्स है, लास्ट मैच में थोड़े मांगे गए थे, अपने आपको वापस कम बैक करेंगे, क्योंकि आप सोचो उसी वेन्यू के ऊपर मैच हुआ था, लिक्विड पहले मैच के अंदर यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच रहे, दूसरे मैच के अंदर की कुटाई हो गई थी, सेम वेन्यू सेम टीम थी, बस डिफरेंट सर्कमटेंस थे, तो यही होता है ऐसे मैचेस के अंदर। उस्मान कादिर भी अच्छा डाल लेते हैं वैसे, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप देखते रहिए, स्टार्ट्स रुचि, मिलते अगली दफ़ा, लव यू गाइस, सी सून, जय हिंद।